गर्मी का मौसम हमारी स्किन के लिए ना कई तरह के चैलेंजेस लेकर आता है जैसे कि सनबर्न डिहाइड्रेशन एक्सेसिव ऑयलीनेस और इन सब की वजह से हो जाते हैं हमें एक्ने पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है कई लोगों को और एक्ने कई बार इतने स्टर्बन होते हैं कि फिर वो इतने ज्यादा डार्क स्पॉट्स छोड़ जाते हैं तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें हाई कैसे हैं आप मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ टेन ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं जिनको फॉलो करके आप जो इतनी गर्मी पड़ रही है ना उसका जो असर है अपनी स्किन पे नहीं आने दोगे बिल्कुल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रख सकते हो कैसे सन डैमेज से अपनी स्किन को बचा सकते हो क्या राइट तरीका होता है सनस्क्रीन को यूज करने का और कैसे आप अपनी स्किन के ऊपर एक नेचुरल हेल्दी ग्लो लेकर आ सकते हो साथ ही मैं आपके साथ कुछ डी स्किन केयर के हैक्स जो हैं वो भी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना तो सबसे पहला काम जो हमको गर्मियों में करना है जिससे कि हम गर्मियों के नेगेटिव इंपैक्ट जितनी गर्मी हो रही होती है हमारी स्किन से ही कई बार हीट निकल रही होती है उसके इंपैक्ट को कम कर सके हमारी स्किन हेल्दी रह सके तो हमें हमारी स्किन को तो तो हमारी स्किन, स्किन को कूलिंग इफेक्ट देते हैं और जरूरी है कि आप मार्केट से ही फेशियल मिस्ट लेकर आओ आप बहुत ईजिली घर पर भी अपना फेशियल मिस्ट बना सकते हो जो सबसे ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा आपको और वो है पुदीने के पत्तों का आपको करना क्या है कि पुदीने के पत्ते यानी कि जो मिंट लीव्स हैं कुछ एक लेने हैं उनको बॉईल करना है पानी में फिर जब ये ठंडा हो जाए तो आपको इसको छान कर एक स्प्रे बॉटल में रख लेना है फिर जब भी आपका मन करे आप इस फेशियल में इसको अपने फेस पे स्प्रे करके यूज कर सकते हो जब कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने साथ रख के लेके जाओ जब घर में हो तो इसको फ्रिज में रखो जब आप अप्लाई करोगे तो एकदम से ठंडा ठंडा सा फील होगा और इससे आप अपनी स्किन को जो गर्मी से होने वाला नुकसान था उससे बचा लोगे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग लगेगी हमेशा दूसरा आपको गर्मियों में नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट यूज करने हैं यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो की हमारे पोर्स को क्लॉक ना करते हो वैसे तो कई प्रोडक्ट्स मेंशन भी होता है लेकिन इसको आप बहुत ईजिली इस तरीके से चेक कर सकते हो कि जब आप कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो और उसको लगाने के बाद आपको ऐसा लगता हो कि इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद मुझे फेस बहुत ज्यादा ऑयली लगना शुरू हो जाता है

फॉर्म में बाहर निकल कर आता है तो इसलिए जिस भी प्रोडक्ट से आपको लगे कि आपने ब्रेकआउट हो रहे हो उसको जितना हो सके अवॉइड करो अगर अप्लाई भी करते हो तो जल्दी से जल्दी उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए जिससे कि हमारी स्किन हमेशा हेल्दी एंड ग्लोइंग रह सके ऐसे ही अब आप समर्स में चाहते हो कि आपकी स्किन जो है वो गर्मी की वजह से डैमेज ना हो और उसके ऊपर नेचुरल एक ग्लो भी रहे तो उसके लिए आपको सनरेज से यानी कि धूप से अपनी स्किन को जितना हो सके बचा कर रखना है और धूप से अपनी स्किन को कैसे बचाना है उससे रिलेटेड आपको थ्री स्टेप्स फॉलो करने हैं पहला तो आप जब धूप में निकलने लगो उससे पहले का दूसरा वो जब आप धूप में हो और तीसरा वो जब आप धूप से होकर वापस आयो तो पहला स्टेप तो ये जब आप धूप में निकलने जा रहे हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सन प्रोटेक्शन यानी कि एस यूज करो जो ये सन की हार्मफुल रेज होती है ना अल्ट्रा रेज जिनकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है स्किन की एजिंग भी फास्टन हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी स्किन टोन अनिमोन हो जाती है और पिगमेंटेशन के भी इशूज आते हैं उन सबसे प्रोटेक्शन करने के लिए जरूरी होता है कि हम बिना सनस्क्रीन लगाए घर से बाहर ना निकले और सनस्क्रीन लगाते हुए भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो मिनिमम थर्टी एसपीएफ का होना चाहिए उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर कम से कम 30 हो जो सन की यूवीए और यूवीबी दोनों तरह की रेस से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता हो यानी कि वो एंटी एजिंग काम भी करता हो और साथ ही साथ सनबर्न से भी हमारी स्किन को बचाता हो जैसे कि ये फॉक्सटेल का मैक्टिफाई सनस्क्रीन है जो कि एसपीएफ 70 प्लस प्लस है यानी कि ये जो सनस्क्रीन है ये आप जितने लंबे टाइम के लिए भी जाओगे बाहर काफी टाइम के लिए भी जाओगे तो भी आपकी स्किन को प्रॉपर प्रोटेक्शन देगा धूप से इसकी खास बात यह है कि इसमें ना नयाड है जिसकी वजह से हमारी स्किन जो सनस्क्रीन लगाने के बाद ऑयली ऑयली लगने लग जाती है वो नहीं होती क्योंकि एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो धूप में निकलने की वजह से एक्सेसिव डार्क स्पॉट्स का इशू होने लग जाते हैं स्किन पे वो भी इशू नहीं आता इसकी एक और खास बात यह है कि जो मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन को लगाने के बाद एक व्हाइट कास्ट आ जाती है ना फेस हमारा बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा अपेयर होना शुरू हो जाता है बाकी बॉडी पार्ट बिल्कुल अलग देखते हैं फेस बिल्कुल व्हाइट लगता है जैसे फेस के ऊपर पता नहीं कितना पाउडर लगा लिया इसको लगाने के

हमें अपनी आर्म्स पे भी अपना और जितने भी बॉडी पार्ट्स एक्सपोज्ड हैं सन में धूप में जो बाहर हैं जिनको कवर नहीं किया हुआ वहां पर भी सनलॉक अप्लाई करना होता है और धूप में निकलने से पहले ये भी ध्यान रखो कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक के जो होते हैं जब धूप प्रचंड होती है बिल्कुल तो जितना हो सके उस टाइम पे हमें घर से निकलना अवॉइड करना चाहिए तो ये तो बात हुई हमारी धूप में निकलने से पहले की कि, कि हमको एसपीएफ अप्लाई करना है और तरीके से अप्लाई करना है टाइम से अप्लाई करना है राइट right क्वांटिटी में अप्लाई करना है दूसरा हमको जब हम धूप में हो तो हमें कोशिश करना है कि हमने एसपीएफ चाहे अप्लाई किया भी हुआ है फिर भी हम जितना हो सके धूप से अपनी स्किन को कवर करके रखें छाया करके रखें अपनी स्किन के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई बहुत सॉफ्ट से कपड़े का स्काफ अपने पास रखें दुपट्टा अपने पास रखें उससे अपने फेस को कवर कर लें अम्ब्रेला रख सकते हो तो अम्ब्रेला रख लो पानी पीते रहो जब आप धूप में हो एक छोटी सी वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करो ओ जो होते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन वो अपने साथ कैरी करो क्योंकि धूप में निकलने के बाद कई बार क्या होता है कि हमें एक्सेसिव स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी से जो वाटर है और सॉल्ट है वो एक्सेसिव निकल जाता है बाहर और जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो हमें पूरी हेल्थ का ध्यान रखना है हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए ओ अगर हम अपने साथ रखेंगे या फिर हम ग्लूकोज रख सकते हैं अपने साथ या पानी रख सकते हैं अपने साथ वो टाइम टू टाइम हम सिप करते रहें तो उससे जो धूप का असर हमारी ओवरऑल बॉडी पे भी नहीं होगा जिससे कि हमारी जो स्किन है वो भी हेल्दी रहेगी डिहाइड्रेटेड होने की वजह से डल नहीं लगेगी और ऐसे ही आपको सन भी वेयर करने हैं जब आप धूप में हो ताकि आपका जो अंडर आई एरिया है और जो आईज की साइड्स हैं इनको आप प्रोटेक्ट कर सको क्योंकि क्या होता है

से फेस को अपने वॉश कर लो आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो आप गोंद कतीरा अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो तो ये करने से जो सन की वजह से जो हमारा डैमेज हुआ होता है हल्का सा जो रेडनेस आ गई होती है स्किन पे और जो मॉइस्चर लॉस हुआ होता है बाहर जाने की वजह से वो रिस्टोर हो जाता है हमारी स्किन दोबारा से फ्रेश फील करनी शुरू हो जाती है जिससे कि उस उसपे एक नेचुरल ग्लो आता है नेक्स्ट गर्मियों में भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मॉइस्चराइज जरूर करना है अपनी स्किन को अगर हम मॉइस्चराइज नहीं करेंगे ना अपनी स्किन को यह सोचकर कि हमारी तो स्किन ऑयली है यार इतना तो आजकल ऑयल आता है तो उससे हमारी स्किन के जो ऑयल ग्लैंड है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो मॉइस्चराइज करना है बस ये ध्यान रखो कि जिनकी स्किन ड्राई है वो जो है क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं ऑयल बेस्ड यूज कर सकते हैं लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है वो वाटर या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें नेक्स्ट हमें बॉडी के इनर कूलिंग पे भी ध्यान रखना है क्योंकि जितनी बाहर गर्मी होती है उतनी हमारी बॉडी के अंदर भी हीट होनी शुरू हो जाती है तो हमें उसको भी न्यूट्रलाइज करके रखना है जिसके लिए बहुत ईजी सी एक ड्रिंक बताऊंगी आपको जिसको की सीसीएफ टी बोलते हैं जो की आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करेगी और आपके स्किन की ओवरऑल क्वालिटी जो है उसको भी इम्प्रूव करेगी तो सीसीएफ टी में कॉरियनडर क्यूमिन सीड्स और फेनल सीड्स ये तीन तरह के सीड्स हैं कि आपको ओवरनाइट सोक करके रख देने एक ग्लास पानी में तीनों इक्वल क्वांटिटी में आप उस पानी में ऐड करोगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या फिर जब भी आपको टाइम मिलेगा उस टाइम आपको इसको हल्का सा बॉइल कर लेना है फिर उसको छान के आप चाहो तो इसमें हनी ऐड कर लो अगर आप थोड़ा सा मीठा प्रेफर करते हो या फिर आप इसको वैसे ही पी सकते हो सिप सिप करके तो ये बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी यानी आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होगी और जितनी बॉडी अंदर से क्लीन होगी कूल cool होगी उतना ही आपके स्किन भी ग्लो करेगी और उतनी आपके स्किन भी क्लियर होगी साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमको मेकअप जो है जितना हो सके कम यूज करना है समर्स में क्योंकि आप मेकअप प्रोडक्ट्स चाहे जैसे भी यूज कर लो कितने भी अच्छे यूज कर लो लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे पोर्स को क्लॉग ही कर रहे होते हैं आप देखोगे जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स होंगे वो ये करते हैं कि हमारे पोर्स को स्मूदन कर देते हैं वो स्मूदन कैसे कर रहे हैं कि वो उनके अंदर फिलिंग कर रहे हैं जैसे हम वॉल के ऊपर देखते हैं ना कि पुट्टी भर दो कुछ ऐसा कर दो तो वॉल एकदम स्मूथ हो जाती है जो प्लस्तर हुआ होता है उसके जो होल्स होते हैं वो दिखने बंद हो जाते हैं तो वही काम मेकअप कर रहा होता है स्किन स्मूथ लगने लग जाती है तो उसका भी वही असर होता है फिर उसको अप्लाई जितना ज़्यादा हम करके रखेंगे उतना ज़्यादा एक्नी ब्रेकआउट्स होंगे जो कि हमारी स्किन को डैमेज कर देंगे तो इसलिए मेकअप जितना हो सके अवॉइड करो ताकि आपकी स्किन सांस ले सके प्रॉपरली और अगर नहीं अवॉइड कर पा रहे हो तो कोशिश करो कि लेयरिंग कम से कम करो सिर्फ एक आधा ही बेस यूज करो बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं करो मेकअप प्रोडक्ट्स की अपनी स्किन पे अगर आप चाहते हो कि आप समर की वजह से होने वाला जो स्किन डैमेज है उसको बचा सको और आपकी स्किन पूरे समर्स में भी ग्लोइंग रहे समर्स में आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि क्योंकि हमने सनब्लॉक अप्लाई किया होता है पूरे दिन में और जिन्होंने नहीं भी किया है अगर तो फिर भी हमें इतनी स्वेटिंग होती है ऑयल आता है फेस पे तो इसीलिए रात के टाइम हम अपनी स्किन केयर पे जरूर ध्यान दें और रात के टाइम हम अपने स्किन की डबल क्लींजिंग करें बिल्कुल भी आलस ना करें हम किसे फेस वॉश कर लिया या पानी से धूल लिया हो गया फेस क्लीन क्रें। डबल क्लिनजिंग करनी है जिसमें कि फर्स्ट स्टेप आपको किसी ऑयल से अपने फेस को क्लीन करना है कोई क्लिनजिंग ऑयल आप बाय कर सकते हो या फिर सिंपल सा आप जो कोकोनट ऑयल आता है कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल वो आपको थोड़ा सा लेना है बस और उससे अपने फेस पे हल्की सी मसाज करनी है और फिर कॉटन को गीला करके आपको उसको रिमूव कर देना है और उसके बाद आपको अपने फेस को क्लीन करके अच्छे से वॉश करके सोना है और इसके बाद बाद आप अपने स्किन के ऊपर जो मोनाइट क्रीम अप्लाई करते हो या सीरम अप्लाई करते हो वो कर सकते हो लेकिन आपको ये ये जो डबल का स्टेप है बिल्कुल भी नहीं मिस करना अगर आप चाहते हो कि समर्स की वजह से आपकी स्किन डैमेज ना हो और आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग और हेल्दी रहे हमेशा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी कि हम कुछ हेल्दी फैट अपने डाइट में इंक्लूड करें अब विंटर्स में तो हम फैट बहुत इजिली इंक्लूड कर लेते हैं हम घी खा लेते हैं हम पंजीरी पिन्नी ये सब घी वाली चीजें खा लेते हैं लेकिन समर्स में तो हम ये सब खाते नहीं है तो हमारी बॉडी को फैट नहीं मिलते फैट नहीं मिलते तो बॉडी ना अंदर से बहुत ड्राई होना शुरू हो जाती है तो वो ड्राइनेस की वजह से हमारी पूरी स्किन जो है वो भी ड्राई लगने लग जाती है जिससे स्किन की एजिंग फास्टन अप हो जाती है और उसका जो नेचुरल ग्लो है वो नहीं रहता और साथ ही जितनी वो अंदर से ड्राई होती है उतने ही हमारे ऑयल ग्लैंड और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो इसलिए हेल्दी फैट इंक्लूड करना है जिसका सबसे ईजी तरीका है कि कुछ नट्स एंड सीड्स आपको रात को सोक करके रख देने हैं सुबह आप उनका छिलका रिमूव करके एम्प्टी स्टमक खा लो क्योंकि जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं इनसे जो हमको फैट मिलता है ये बहुत हेल्दी होता है काओ घी आप ले सकते हो अपनी सब्जी में हल्का सा काओ घी आप मिक्स करके खा सकते हो तो वो जो नेचुरल तरीके है जो अनहेल्दी फैट नहीं है हेल्दी फैट है वो हमको इनटेक करना है जिससे कि हमारी बॉडी में ड्राईनेस नहीं रहेगी और हमारी स्किन पहले से ज्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग बनेगी नेक्स्ट समर्स में आपको ना आइस जरूर यूज करनी है अपनी स्किन के ऊपर अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी और नेचुरली ग्लोइंग अपेयर हो तो आइस को यूज करने के तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना की आइस को कभी भी डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करना है बहुत देर तक नहीं करना है आइस को अपनी स्किन पे अप्लाई एक जगह पे बहुत देर तक नहीं रखना है अदरवाइज स्किन डैमेज हो जाएगी उल्टा उससे हमेशा कॉटन का पतला सा कपड़ा कोई लेकर उसमें रैप करके फिर ही आपको आइस को यूज करना है अपने स्किन पे जिससे कि एक बैरियर बन जाएगा डायरेक्ट आइस और आपके स्किन के बीच में जो कि प्रोटेक्ट कर लेगा आइस के होने वाले डैमेज से आपकी स्किन को और जो उससे आइस से बेनिफिट्स मिलने हैं आपको सिर्फ वो मिलेंगे तो आइस क्या करती है जो भी पफीनेस है स्किन के ऊपर जो रेडनेस है जो गर्मी गर्म सी हुई हुई है स्किन गर्मी की वजह से उसको सूद कर देती है एकदम से काम कर देती है हमारी स्किन को हमारी स्किन ज़्यादा फ्रेश अपेयर होना शुरू हो जाती है ज़्यादा टाइट अपेयर होती है तो आप सिंपल आइस क्यूब को कपड़े में राप करके फेस पे यूज़ कर सकते हो या फिर उसी आइस क्यूब के और ज़्यादा बेनिफिट्स आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो क्या करो कि एक ग्रीन टी को बॉइल कर लो थोड़ा सा पानी में उस पानी को ठंडा करके छान के उसके आप आइस क्यूब्स बना लो तो जो ग्रीन टी में एंटी होते हैं उसके भी बेनिफिट साथ के साथ आपको मिल जाएंगे जब आप आइस को फेस पे अप्लाई कर रहे हो ऐसे ही आप आइस क्यूब्स को रोज वाटर से भी रेडी कर सकते हो रोज वाटर मिक्स करके आप आइस क्यूब्स बना लो मेकअप करने से पहले अगर आप आइस क्यूब यूज कर लोगे अपने फेस के ऊपर तो आपका मेकअप ज्यादा टाइम तक लास्ट करेगा और एकदम से बिल्कुल पिघल नहीं जाएगा वो सारा वो ज्यादा लंबे समय तक टिका रहेगा ऐसे स्किन केयर से पहले अगर आप आइस क्यूब अप्लाई करोगे तो आप जो भी उसके बाद प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो वो ज्यादा अच्छे से आपकी स्किन में मेंब्बॉर्ब होगा उसके ज्यादा अच्छे से बेनिफिट्स मिलेंगे और कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कैटरीना कैफ का आइस का फेशियल जो था जिसमें कि वो एक बड़े से बोल में आइस लेकर उसमें अपने फेस को डिप करती है कुछ सेकेंड्स के लिए तो अगर आप वो बेयर कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो लेकिन जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है हेडेक का इशू रहता है माइग्रेन का इशू रहता है उनको इसे अवॉइड करना चाहिए और वो जब अपनी स्किन पे भी अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करें कि ये जो फोरहेड वाला एरिया है वो वो यहाँ ना अप्लाई करें इस एरिया पे ज्यादा अप्लाई कर लें वो तो जहां भी आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है वहां बहुत ज्यादा देर तक आई सप्लाई नहीं करनी होती है क्योंकि स्किन से ज्यादा जरूरी आपकी हेल्थ भी है एंड फाइनली क्योंकि आप घर घर में ए है हर घर में हर रूम में ए है कार में ए है मॉल में ए है हर जगह ए है तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि गर्मियों में सिर्फ धूप से नहीं ए से भी हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ए क्या करता है वो एटमोसफेयर को ड्राई कर देता है जिससे कि हम हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है तो इसीलिए हमको अपने स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज रखना है और ध्यान रखना है कि ए का टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा कम ना करें ट्वेंटी फाइव तक ही हम उसकी सेटिंग रखें क्योंकि जितना ज्यादा कूलिंग करेगा उतना ज़्यादा हमारी स्किन को ड्राई करेगा जिसकी वजह से उसके जो रिंकल्स हैं वो अपेयर होने शुरू हो जाएंगे और आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने रूम में कोई ह्यूमिडिफायर रख लो जिससे कि वो जो एटमोसफेयर को ड्राई कर रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे स्टे स्माइलिंग नमस्ते हाय गाइस चलो टिले